सप्तश्री ज्ञानपीठका सहशिक्षक मुकेश ठाकुरलाई प्रियजनेसु साहित्य सम्मान 2024ले सम्मानित गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज वारओभर दि अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नॉर्थ बेंगल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलिगुडी इंडियाज लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 माल्दाको प्रियजनेसु साहित्यिक संस्थाको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य उत्सव 2024 कार्यक्रममा उनलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा भारत भुटान बङ्गलादेश नेपालबाट 90 साहित्यकारहरूलाई सम्मानित गरिएको थियो। सिक्किमका कवि युवा बराल प्रीतम सहयात्री आयलमपुरका बङ्गला कवि ससन्त नन्दी हिन्दीको निम्ति मुकेश ठाकुरलाई सम्मानित गरिएको थियो। कार्यक्रममा राज्यका सिँचाइ एवं जलमार्ग राज्य मन्त्री सबिना यस्मिन मुख्य अतिथिका रूपमा रहेकी थिइन् भने निखिल राय प्रियजनेसु अध्यक्ष सोम संस्कर सिंह मालदाका मेयर कृष्णदु नारायण चौधरी लगायत अन्य अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मान प्राप्त गरेर फर्किएका मुकेश ठाकुरले आयोजकप्रति आभार जनाएका छन्। उनले समारोहमा स्वरचित कविता आज पाठ गरेका थिए। यो सम्मानले कालेबुङ अनि सप्तश्री ज्ञानपीठको गरिमा बढेको बताएका छन्। इसके माध्यम से हम बांग्ला भाषी को बांग्ला पहुंचा यदि यहाँ का लिया कर लिया जाए तो अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो हिंदी भाषा बोलूँ क्योंकि हमारी जो भी संपर्क हुई है हिंदी में हुआ। अगर बंगाल के साथ हम पहुँच नहीं पाते आज हिंदी में मुझे कहा गया कि इस तरह कास्ट को बना पाइए। अगर यह भाषा हमारी हिंदी नहीं होती तो आज हम तक नहीं पहुँच पाते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो किसी भी भाषा को उसी तरह से नेपाली भाषा की बात है तो नेपाली भाषा को भी अगर अन्य भाषा के साथ जोड़ना है तो यह सबसे बड़ी बात है कि हमें हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता है। हिंदी के माध्यम से अन्य भाषाओं को हम मुख्य भाषा के रूप में जोड़ सकते हैं। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर या अगर गीतांजलि की बात करें तो आज अगर पूरा भारत गीतांजलि को समझता तो हिंदी के माध्यम से अगर वह बांग्ला में क्यों आ जाता तो केवल बंगाली भाषा ही समझता। इसीलिए मान का जो सवाल है तो मेरे हिसाब से शायद यह बहुत ही बेहतर है कि हम बांग्ला को हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें उसके बाद अन्य भाषा। नमस्कार, प्रियजनेसु साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित करने के लिए मैं सर्वप्रथम प्रियजनेसु साहित्य संस्थान के संयोजक श्री पार्थव सारथी झाजी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 21 एवं 22 सितंबर को मालदा जिला में प्रियजनेसु साहित्य संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी महोत्सव का आयोजन किया गया था, साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और वहाँ पर मुझे प्रियजनेसु साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह मेरे लिए गर्व की बात ही तो है ही साथ ही साथ यह कालिम्पोंग के लिए भी गर्व की बात है और हमारे विद्यालय सप्तश्री ज्ञानपीठ के लिए भी यह गौरव की बात है और मेरे द्वारा जो हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया जा रहा है इसका कद्र हुआ है यह मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। मैं हिंदी भाषा के साथ साथ नेपाली भाषा की कविताओं और कहानियों को भी हिंदी में अनुवाद करने के काज में लगा हुआ हूँ ताकि हमारे नेपाली भाषा और साहित्य को भी हिंदी भाषी पढ़ सकें और हमारे नेपाली भाषा के संस्कृति को संस्कार को और उसके साहित्य को आसानी से जो है दूसरे भाषी भी समझ सके इस कार्य में भी मैं लगा हुआ हूँ। एक बार पुनः प्रियजनेसु साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित करने के लिए मैं मालदा में स्थित सुप्रसिद्ध प्रियजनेसु साहित्य संस्थान के संयोजक श्री पार्थ सारथी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने विद्यालय के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ जो इस तरह के साहित्य उत्सव में मुझे भाग लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।